अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, आज मैं आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों ने रिसेंटली में एक न्यूज सुना है कि 59 चाइनीज ऐप बैन हो चुके हैं, जो कि सबसे ज्यादा उसमें जो एक फेमस ऐप था वो था टिकटॉक। वही टिकटॉक ऐप जिसने कई सारे लोगों ने अपनी वहां पर करियर बना चुकी है, जैसे कि मिस्टर फैजू, जन्ना जुबैर, अदनान जैसे कई सारे लोग इसमें अपना करियर बना चुके हैं। जो आज मैं आप लोगों को इसके टॉप 5 टिकटॉक के अल्टरनेटिव ऐप्स बताऊंगा और अपना एक अच्छा खासा जो टैलेंट है वीडियोस का वो अपना सकते हैं। सो बातें कम, लेट्स फोकस ऑन द कंटेंट। तो मैं आप लोगों को आगे वीडियो बढ़ने से पहले मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये मेरा रिकमेंड है, ये मेरा ओपिनियन है कि आप इसको ऐप्स को आप यूज करें, क्योंकि मुझे लगा कि ये बेस्ट है उसके अल्टरनेटिव। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, 5वें नंबर पे जो ऐप है वो है फोर फन ऐप, जो कि 4.2 की रेटिंग और 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है। तो शायद आपको भी ये पसंद आए और आप भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। फिर उसके बाद है 4थे नंबर पे जो आता है वो है डब स्मैश। आपने ये नाम पहले सुना भी होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी एक टिकटॉक अल्टरनेटिव ऐप है, जो कि ये भी 4.2 की रेटिंग है और 100 मिलियन प्लस डाउनलोड है। तो आप ये भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद 3रे नंबर पे आता है वो है शेयर चैट ऐप, जो कि इसकी जो रेटिंग है वो है 4.5 की रेटिंग और 100 मिलियन प्लस डाउनलोड है। तो आप ये भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है जो 2रे नंबर पे है वो है स्नैपचैट। ये आप लोगों ने तो बहुत से नाम ये तो सुना ही होगा, जो कि इसकी जो रेटिंग है वो है 4.3 की रेटिंग और डाउनलोड है 1 बिलियन प्लस डाउनलोड। तो आप ये भी जाकर प्ले स्टोर पर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद मैं जो पहले नंबर पे रख रहा हूँ, इसकी भी रेटिंग भी कम है और डाउनलोड भी कम है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने टिकटॉक की जगह पर इसे सजेस्ट किया था कि आप ये ऐप यूज कर सकते हैं। जो इसका ऐप का नाम है वो है मित्रों, जो कि 4.0 की रेटिंग है और 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है। तो आप इसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये 5ों ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वैसे आप ऐप तो ये 5ों ठीक है, बेहतर है, लेकिन ये मैंने अपने रेटिंग के हिसाब से और डाउनलोड के हिसाब से मैंने इसको रखा है ऊपर नीचे। तो आप ऐप तो ये भी बहुत बेहतर है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए कि कौन सा ऐप आपको सबसे बेहतर लगा है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।